जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल जे जी डी एल क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम इस तरह से अपने लड्डू गोपाल के लिए बड़ी प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस हमने दो नंबर के ये ड्रेस हमने तीन नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाई है, और इसे इस तरह से हमने पतंग से डेकोरेट किया है। ये हमारी क्रोशे की ड्रेस है। इसके साथ की हमने हैट भी बनाई है, जिस पर भी हमने एक छोटी पतंग लगाई है। और इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने 12 नंबर का क्रोशा यूज़ किया है और 3 प्लाई की 3 तार वाली ऊन से इस ड्रेस को बनाया है। चलिए ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले ऊन के अंदर हम 15 चैन बनाएंगे। 15 चैन बनाने के बाद एक चैन बनाएंगे, पहली चैन को स्किप करेंगे, अगली चैन के अंदर हमें एक सिंगल क्रोशा बनाना। सिंगल क्रोशा एक लूप क्रोशा हुक में रहता है, एक नीचे से लेते हैं, 2 का 1 करते हैं। इस तरह हमें 15 चैन के अंदर 15 सिंगल क्रोशा बनाना है। इस तरह 15 चैन के अंदर 15 सिंगल क्रोशा बना ली। इस रो को चोली में काउंट नहीं करते हम, ये हमारे ऊपर बोर्ड रखी रहती है। फिर यहाँ पे हम शुरू में 3 चैन बनाते हैं। अपने वर्क को टर्न करेंगे, सभी जगह हमें एक ही जगह पहली चैन में पहला डबल क्रोशिया हो गया, फिर इसी जगह इसके अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाते हैं। तो पहली चैन में हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हमें हर चैन के अंदर एक ही चैन में 2 डबल क्रोशिया बना के अपनी इस रो को कंप्लीट करेंगे, और इसके लास्ट में हमारे 30 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इससे मैंने अपनी रो कम्प्लीट कर ली है, और इसके लास्ट में हमारे 30 डबल क्रोशिया हो गए। अगली रो हमारी हाफ डबल क्रोशिया की बनेगी, तो शुरू में हम 2 चैन बनाते हैं। अपने वर्क को टर्न करेंगे, पहली चैन में पहला हाफ डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 चार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। पांचवी चैन के अंदर हमें एक ही जगह 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर आगे की 3 चैन के अंदर हमें एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। चौथी चैन में हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब आगे की हर चौथी चैन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। शुरू में मैंने 4 हाफ डबल क्रोशिया बाद 5वें बनाया था, इस तरह से कंप्लीट करूंगी, और लास्ट में इसके अंदर हमारे 36 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस तरह हमारे इसके लास्ट में 36 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। लास्ट में हमारे यहाँ पे 5 चैन बचती हैं 2 बनाने के बाद, तो मैंने 5ों के अंदर एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसके अंदर अपनी 3rd रो बनाएंगे, जिसके अंदर अपनी बाजू बनाएंगे। शुरू में 3 चैन बनाएंगे, पहली चैन में पहला हाफ डबल क्रोशिया हो गया। आगे की 4 चैन के अंदर हमें पहली चैन के अंदर हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। फिर आगे की 4 चैन के अंदर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना, तो आगे के पार्ट के हमारे ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 8 चैन स्किप कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 नौवीं चैन के अंदर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। पीछे के पार्ट के हमें 10 डबल क्रोशिया बनाना है, एक बना लिया 9 और बनाएंगे उसमें, तो पीछे के पार्ट के हमारे 10 डबल क्रोशिया हो जाते हैं। फिर 8 चैन स्किप कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 नवी के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे के पार्ट के हम 5 डबल क्रोशिया बना के अपनी रो को कंप्लीट करते हैं। इस तरह हमारी ये दोनों बाजू बन गई, तीनों पार्ट डिवाइड हो गए। अब इसके अंदर हम 3 चैन बनाएंगे, कुल इसके अंदर हमारे 20 डबल क्रोशिया हो गए। 20 चैन के ऊपर हमें 20 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर उसके इस तरह से इसके लास्ट में आ गए हम, 20 चैन के अंदर हमने 20 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर शुरू में हम 3 चैन बनाते हैं, अपने वर्क को टर्न करेंगे, पहली चैन में पहला डबल क्रोशिया है। अब आगे की चैन में हमें एक ही जगह पे 2 डबल क्रोशिया बनाना है। आगे की सभी चैन में हमें एक ही जगह पे 2 डबल क्रोशिया बना के अपनी से
रो को हम कंप्लीट करते हैं। इस तरह बनाते हुए मैं इसके लास्ट में आ गई हूँ। मैंने सभी चेन के अंदर दो दो डबल क्रोशिया बना लिए। अब लास्ट वाली चेन के अंदर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। शुरू के लास्ट के हमने एक एक बनाए। अब इसे डबल क्रोशिया की चेन से, स्लिप चेन से हम ज्वाइन कर देते हैं। शुरू की तीन चेन को स्किप करेंगे और डबल क्रोशिया की चेन से इसे हम ज्वाइन करते हैं। अब आगे हम तीन चेन बनाएंगे, इसी जगह इसके अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये हमारा दो डबल क्रोशिया हो गए पहली चेन के अंदर। अब इसके बाद आगे की दो चेन के अंदर हमें एक एक ही डबल क्रोशिया बनाना है। फिर तीसरी चेन के अंदर हमें दो बार बनाना है। फिर आगे की दो चेन के अंदर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर तीसरी चेन में हमें दो बार बनाना है। इस तरह हमारी ये रो कंप्लीट होती है। इस तरह मैं इसके लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट में मैंने दो चेन के अंदर दो डबल क्रोशिया बना ली। अब शुरू की तीन चेन स्किप कर देंगे और डबल क्रोशिया की जो चेन है उसमें स्लिप चेन से इसे ज्वाइन कर देंगे। अब आगे की रो बनाएंगे हम। तो शुरू में तीन चेन बनाते हैं, इसी जगह इसके अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाते हैं। तो पहली चेन में हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए। आगे की तीन चेन के अंदर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो तीन चेन के अंदर हमारे तीन डबल क्रोशिया हो जाते हैं। फिर चौथी चेन के अंदर हमें एक ही जगह पे दो डबल क्रोशिया बनाना है। फिर आगे की तीन चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, दो तीन। फिर चौथी चेन के अंदर हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमारी ये आगे की सभी रो निकलेंगी। पहले हमने दो दो बनाए थे, फिर दूसरी के अंदर हर तीसरी चेन में बनाए। अब हमारी तीसरी रो इसके अंदर हमने हर चौथी चेन में दो बना रहे हैं। अगली रो के अंदर हर पांचवी चेन में बनाएंगे। बीच में चार चेन के अंदर हमारे एक एक डबल क्रोशिया बनेंगे और पांचवी चेन में हमारे दो डबल क्रोशिया बनेंगे। इस तरह इस घेरे को मैं कंप्लीट करती हूँ। फिर मैं आपको इसमें पतंग लगाने के लिए पतंग बनाना बताऊँगी। इस तरह मैंने अपनी इस ड्रेस को, इस तरह मैंने अपने घेरे को कंप्लीट कर लिया है। इसे मैं आपको राउंड बता देती हूँ, मैंने इसमें कितने राउंड निकाले हैं। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, इसके अंदर मैंने आठ राउंड निकाले और इसके आगे का मैंने बॉर्डर भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाहर की तरफ इसके अंदर हम एक राउंड निकालेंगे जो हम सिंगल क्रोशिया का निकालेंगे। तो अपनी चैन से यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेते हैं। फिर इसी जगह इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह में सभी चैन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इसे कंप्लीट करेंगे। इस तरह मैंने ये आउटलाइन करके से अपनी उनको कट कर दिए। अब इसके साथ के हम पतंग बनाएंगे। पतंग मैंने इस तरह से बना के ने डेकोरेट करके कंप्लीट कर रखा है। तो मैं आपको बनाना बताती हूँ किस तरह से हमारी पतंगे बनेंगे। सबसे पहले अपनी ऊन के अंदर हम नोट लगा के चार चैन बनाएंगे। एक दो तीन चार, फिर तीन चैन स्किप कर देंगे। चौथी चैन के अंदर हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, दो तीन, तीन डबल क्रोशिया बनाने। फिर इसी जगह हमको तीन चैन बनानी। अपने वर्क को टर्न करेंगे, इस वाले चैन को छोड़ देंगे जो हमारी पहली चैन पे पहला डबल क्रोशिया है। अगली चैन के अंदर हमें एक डबल क्रोशिया बनाया, इसी जगह हम इसी के अंदर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी जगह इसके अंदर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो अपने क्रोशिया पे ऊन को इस तरह दो बार लेते हैं और इसे यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, तो इस तरह हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन गया। फिर एक बार ऊन को दो बार रो लेते हैं। अगली चैन के अंदर हमें पहले ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, एक बार, दो बार, तीन बार। फिर इसी चैन के अंदर हमें दो डबल क्रोशिया और बनाना है। तो हमें सेंटर की दो चैन के अंदर तीन तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं, जिसमें से दो डबल क्रोशिया और सेंटर के अंदर दोनों साइडों में एक एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। लास्ट वाली चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाते हैं।
ये हमारे दो राउंड कंप्लीट हो गए। अब तीन चैन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे। पहली चैन में पहला डबल क्रोशिया हो गया, दो तीन, तीन डबल क्रोशिया हो गए। फिर हमारा ट्रिपल क्रोशिया वाला क्रोशिया आ गया, इसके अंदर पहले दो डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही जगह पे, फिर इसके अंदर यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया में हमें तीन बार निकालना रहता है। फिर अगले ट्रिपल क्रोशिया की चैन आ गई, तो उसमें पहले यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे हम, दो बार निकाला, तीन बार, फिर इसी जगह इसके अंदर दो डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो सेंटर वाली दो चैन है उनके अंदर हमें दो डबल क्रोशिया और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना रहता है। दो डबल क्रोशिया बना दिए मैंने। फिर आगे हमारी तीन चैन है, एक डबल क्रोशिया बनाया, दो डबल क्रोशिया बनाया, तीसरा डबल क्रोशिया बनाया। तो हमारे बीच में तीन तीन और साइडों में भी तीन तीन डबल क्रोशिया, इस तरह हमारी तीन रो निकल गई। अब हम चौथी रो निकालते हैं। पहली चैन में पहला डबल क्रोशिया हो गया, दो तीन चार पाँच, पांच डबल क्रोशिया हो गए हमारे। फिर हमारे ट्रिपल क्रोशिया वाला क्रोशिया आ गया, इसके अंदर शुरू में यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, फिर इसी जगह एक ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं। फिर अगले ट्रिपल क्रोशिया की चैन आ गई, तो यहाँ पे पहले ट्रिपल क्रोशिया बनता है, फिर इसी जगह हम इसमें दो डबल क्रोशिया बनाते हैं, एक दो। फिर आगे की पांच चैन के अंदर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, दो तीन चार पाँच। फिर यहाँ पे हम इसे नोट लगा के अपने उनको कट कर देते हैं, पीछे की तरफ फिनिशिंग से एडजस्ट कर देते हैं। तो हमारी ये इस तरह से ये पतंग का ऊपर का हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब इसके हम नीचे का हिस्सा बनाएंगे। ऊन के अंदर सबसे पहले अपनी ऊन के अंदर नोट लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे तीन चैन बनाते हैं, दो चैन को स्किप करेंगे, तीसरी चैन के अंदर यहीं पर हम इसे दो सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, फिर एक चैन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे। पहली चैन में ना बना के अगली चैन के अंदर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर उसे अगली चैन में लास्ट वाली इसके अंदर एक ही जगह पे हमें दो सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो हमारी ये दो रो निकल गई। फिर एक चैन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे, पहली चैन को छोड़ देंगे, आगे की तीन चैन के अंदर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर इसी जगह अगली वाली चैन के अंदर दूसरा बनाया, फिर लास्ट वाली चैन के अंदर हमें एक ही जगह पे दो सिंगल क्रोशिया बनाने। तो हमारी तीसरी रो गई। अब हमारी फोर्थ रो निकालेंगे, एक चैन बनाएंगे। तो फोर्थ रो में हमें पहली चैन में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर आगे की सभी चैन के अंदर बनाएंगे, दो तीन। अब लास्ट वाली चैन के अंदर हमें एक ही जगह पे दो सिंगल क्रोशिया बनाने, एक दो, और फिर नोट लगा के अपने उनको कट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये इस तरह से बन गया। इस तरह से तुम्हारे पतंग के दोनों पीस बनते हैं। अब बोल चैन लेके हम इसे डेकोरेट करते हैं। यहाँ पे दो ग्लास लगाते हैं, बोल चैन को कट करके अपने पीसेस को हम एक एक लगा लेते हैं। इस तरह में ये बोल चैन को कट करके फिर इस तरह से फैब्रिक ग्लू से अपनी पतंगों पर इस तरह से डेकोरेट कर लेते हैं। पहले चारों तरफ लगा लेंगे, फिर सेंटर में, और फिर ये राउंड वाला, और फिर इसके ऊपर एक एक ग्लास लगा के इस तरह से पतंग का ऊपर का हिस्सा करते हैं। और ये नीचे के हिस्से में इस तरह से तीन पीस काट के इसे चिपका लेते हैं। फिर इन्हें हम एक दूसरे पर चिपका लेंगे और फिर अपनी ड्रेस पर हम पेस्ट कर लेंगे। अब इसकी हम कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी मैजिक रिंग लेते हैं। तीन चैन बनाते हैं। अब इसी जगह इसके अंदर हम
नौ डबल क्रोशे और बनाए, आठ डबल क्रोशे और बनाएंगे तो कुल हमारे इसके अंदर नौ डबल क्रोशे हो जाएंगे। इस तरह बनाते मैंने इसके अंदर आठ डबल क्रोशिया और एक हमारा तीन चैन का, तो कुल नौ डबल क्रोशिया हो गए। अब नीचे वाली उनको इस तरह से खींच लेते हैं तो हमारा सर्कल बन जाता है, और यहाँ इसे तीसरी चैन से स्लिप चैन से हम इसे ज्वाइन कर देते हैं तो हमारा एक सर्कल बन गया। अब शुरू में हम तीन चैन बनाएंगे, इसी जगह इसके अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाते हैं। तो पहली चैन में दो डबल क्रोशिया हो गए, इस तरह में हर चैन के अंदर दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे तो लास्ट में हमारे इसके अंदर 18 डबल क्रोशिया हो जाता है। इस तरह इसके अंदर हमारे 18 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसे यहाँ तीसरी चैन में स्लिप चैन से जोड़ के इस रो को कंप्लीट करते हैं। अब इसके अंदर तीन चैन बनाएंगे और सभी चैन के अंदर हमें एक ही चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, तो कुल हमारे 18 चैन के अंदर 18 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। और फिर इसके बाद इसके अंदर मैं एक हाफ डबल क्रोशिया की रो निकालूंगी और एक सिंगल क्रोशिया की रो निकालूंगी। तो पहले इसके बाद इसके अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया की रो निकाल के कंप्लीट करती हूँ। इस तरह मैंने अपने एक डबल क्रोशिया की एक हाफ डबल क्रोशिया की रो निकाल ली है, तो कुल इसके अंदर हमारी तीन डबल क्रोशिया की एक हाफ डबल क्रोशिया की रो हो गई है। अब इसे यहाँ पे स्लिप चैन से हम ज्वाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे एक चैन बनाएंगे, सभी चैन के अंदर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना के अपने इस लास्ट रो को हम कंप्लीट करते हैं। इस तरह बनाते इसके लास्ट में आ गई हूँ, जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पे से स्लिप चैन से हम ज्वाइन कर लेंगे। फिर यहाँ पे दो चैन बनाएंगे, इसी जगह इसके अंदर दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो। फिर अगली वाली चैन के अंदर एक ही जगह में दो हाफ डबल क्रोशिया बनाने, एक चैन के अंदर हमें तीन हाफ डबल क्रोशिया बनाने और एक के अंदर हमें दो हाफ डबल क्रोशिया बनाने। इस तरह बनाते हुए अपने इस राउंड को भी मैं कंप्लीट करती हूँ। इस तरह मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब अपनी रेड कलर की ऊन लेंगे, अब चैन में वर्क ना करके हमें डबल क्रोशिया के जो गैप रहता है उसके अंदर हमें वर्क करना है। ज्वाइन कर लिया एक चैन से, इसी जगह इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सभी डबल क्रोशिया के बीच में हमें इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बना के अपनी इस रो को कंप्लीट करेंगे और अपनी ड्रेस पे पतंगों को पेस्ट करके अपनी ड्रेस को पूरी को मैं कंप्लीट करके लाती हूँ। इससे मैंने अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है। अपनी हेड पे भी मैंने एक पतंग लगाई है। इस पतंग को मैंने दो दो राउंडों में कंप्लीट किया है, दो राउंड ऊपर वाले हिस्से को और दो राउंड में नीचे वाले हिस्से को, जिस तरह से इसके अंदर हमने चार चार राउंड में कंप्लीट किया था, इस तरह से हमने अपनी ड्रेस बनाई। अगर आपको मेरी ड्रेस की डिजाइन अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।